सोनिया गांधी ने आज बुलाई सीईसी की बैठक। कांग्रेस की बची हुई 31 सीटों के लिए नाम तय किए जाएंगे। आज देर शाम हरीश चौधरी की मौजूदगी में ये बैठक होगी। सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। शेष बची 31 सीटों पर लिया जाएगा अंतिम निर्णय। दो सीट पर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है, तो दो सीट ऐसी हैं जिस पर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है और उन पर भी आज अंतिम निर्णय हो जाएगा। शेष जो बची हुई सीटें हैं 117 पंजाब की सीटें, जिसमें से अभी 31 सीटों पर अंतिम नाम निर्णय नहीं हुआ है और उसी को लेकर आज ये मीटिंग होगी। मीटिंग की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी और इस दौरान हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 31 वो सीटें हैं जिन पर नाम आज तय किए जाएंगे, क्योंकि इस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं पंजाब के, वो लगातार इन सीटों पर, तमाम जो सीटें हैं उन सभी पर नजर बनाए हुए हैं। कौन सी सीट पर किसे खड़ा करना है, किसे अब प्रत्याशी बनाना है, तमाम चीजें जो है हरीश चौधरी देख रहे हैं। और अब 31 सीटें कांग्रेस की बची हुई हैं जिन पर नाम सामने आने हैं, घोषणा करनी है, और वो नाम भी आज तय किए जाएंगे। आज देर शाम हरीश चौधरी की मौजूदगी में बैठक होगी। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, तो आज 31 नामों पर, सीटों पर नाम तय किए जाएंगे, क्या कुछ और जानकारी, कौन कौन से नाम, तमाम चीजों पर जानकारी दें। वैसे 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगभग राय मशवरा बन चुका है, लेकिन पिछले लंबे समय से दो सीटें ऐसी हैं जिस पे पेच फंसा हुआ है, जिसमें पार्टी के अंदर ही अलग अलग ओपिनियन आ रहा है और सीट को लेकर अलग राय है, और उस सीट की वजह से पहले भी जब सीसी की बैठक हुई थी तो बात नहीं बन पाई, लेकिन तमाम एक्सरसाइज के बाद अब आज उम्मीद है कि एक तो इस सीसी के बाद 31 नामों की लिस्ट भी जारी की जाएगी, और खास तौर पर सीसी में वो दो सीटें जिन पर पेच फंसा हुआ है, और क्योंकि एक एक सीट पंजाब में कांग्रेस के लिए अपनी मजबूती और कांग्रेस के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आज जो सबसे पहले सीसी की बैठक में उन दो सीटों पर जो बादल मंडरा गए उसे साफ किए जाएंगे, और बाकी तो उनकी सीटों पर है जिन पर लगभग मोहर लग चुकी है, जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है, वो तो जाहिर तौर पर साफ होंगी होंगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अंडरकरंट जो है वो बढ़ना जा रहा है, और एक दूसरा मुद्दा ये है कि पंजाब में अब जो आउटसाइडर हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको पंजाब के वोटर्स पसंद नहीं कर रहे, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो पहले से नाराजगी थी वो और बढ़ रही है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, तो अंदर के कैंडिडेट अगर आ रहे हैं तो उनको तो पंजाब की जनता एक्सेप्ट कर रही है। इसी तरीके से जो ये सीटों पे जो डिस्कशन है किस तरह से कैसे किया जाए, तमाम चीजों को लेकर अब बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जमीन लीड कर रही है, इसलिए कांग्रेस में, पंजाब में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मैन टू मैन मार्किंग के साथ एक एक सीट पर अपना दबदबा बना के रखे, क्योंकि बहुत नेक टू नेक टक्कर अब आम आदमी पार्टी के लिए होती नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए। तो आज ये बैठक है और दो सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, हालांकि और जो 29 सीटें हैं उन पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, उन नामों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आज ये बैठक होगी।